मैं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में एक अहम बैठक चल रही है। इन्वेस्ट राजस्थान 2022 को लेकर यह खास बैठक का आयोजन किया गया है। अक्षय ऊर्जा सेक्टर में नए निवेश पर मीटिंग चल रही है। हाल ही में एमओयू और एलओआई को लेकर यह बैठक जारी है। 3,00,000 करोड़ से भी अधिक के प्रस्ताव इसमें फाइनल होने हैं। रिलायंस, एसजेवीएन, एनटीपीसी और एक्सिस समूह के ये प्रस्ताव हैं। इन प्रस्तावों को लेकर सरकार की मोहर इन पर लगनी आई। आपको भी सीधे लिए चलते हैं इस बैठक में। एक्सिस एनर्जी एवं सुखवीर एग्रो समूह एलओआई एवं एमओयू करने जा रही है। ये राज्य के लिए गौरव का विषय है। इन एलओआई एमओयू से अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र के विकास में प्रदेश देश के अग्रणी राज्य में बना रहेगा। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा लगातार पिछले 3 सालों में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लगातार चाहे नवीन अक्षय ऊर्जा नीति लाई गई माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पर, और उसमें जो इन्वेस्टर्स है उनको तमाम तरह की सहूलियतें, चाहे उनके जमीन का आवंटन हो, चाहे अन्य कन्वर्जन की बात हो, सभी तरह से इन्वेस्टर्स को सुविधाएं देना मुख्यमंत्री महोदय ने लगातार आपने जिस प्रकार से मॉनिटरिंग की है उसी का परिणाम है कि आज पूरे देश और दुनिया के इन्वेस्टर्स हमारे प्रदेश में आ रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार प्रकट करना चाहूंगा। और जो आप सब लोग पधारे हैं, जो कॉरपोरेट क्षेत्र में आप सबकी एक अलग पहचान है, और राजस्थान में इतना बड़ा आप इन्वेस्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के विश्वास पर कर रहे हैं, मैं ऊर्जा मंत्री होने के नाते इतना ही कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से राजस्थान सरकार का मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार पूरा सहयोग रहेगा। निवेशकों के रुझान को देखते हुए राजस्थान अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में देश में अग्रणी राज्य बना रहेगा तथा ये क्षेत्र राज्य के विकास का मुख्य आधार बनेगा और इससे रोजगार के निश्चित रूप से बहुत ज्यादा अवसर आएंगे। पुनः सभी इन्वेस्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार। धन्यवाद महोदय। अब माननीय उद्योग मंत्री महोदय से निवेदन, उनके विचार प्रकट करें। सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज के इस प्रोग्राम में सभी शामिल हो रहे हैं, हमारे मंत्री सम्मान्य रामलाल जाट जी और भंवर सिंह भाटी जी, और सरकार के सभी कार्यों को गति देने वाली धुरी प्रशासनिक अधिकारीगण। आज के जो प्रोग्राम है ये सम्मान्य मुख्यमंत्री महोदय की जो सोच, जो विचारधारा, जो उद्देश्य है, जो टारगेट है, वो है कि मेरा राजस्थान आत्मनिर्भर बने, और उसमें आप और हम, और ये एक उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ कंपनियां स्थापित हों और ज्यादा से ज्यादा राजस्थान के युवा को रोजगार मिल सके। सोलर के क्षेत्र में जैसे अभी सभी ने यहाँ पर जो विचार रखे हैं, चाहे एनएचपीसी जिन्होंने उम्मीद जताई कि भाई हमें सभी तरह की सब्सिडी या अन्य सुविधाएं सरलता से मिले, और श्री सुखवीर सिंह जी जिन्होंने सरकार के थोड़ी सराहना भी की। एक के बाद एक बोलते गए तो मैंने कहा वास्तव में अच्छे फैसले लेते हैं। उसके लिए सुबोध अग्रवाल जी की पूरी टीम पहले के पात्र हैं कि मतलब दिल से लोगों ने कहा है। मैंने कहा शुरू किया, हो सकता है भाई आगे के लिए अपना इंतजाम करो, भाई खुश रखो तो तकलीफ नहीं आए हमें, वो बात नहीं लगी। तो मुझे बात की बहुत प्रसन्नता है कि जो माहौल में चाहता था जब मैं 20 साल पहले मुख्यमंत्री बना कि सिंगल विंडो कैसे लागू हो, बहुत वक्त लगा, कई प्रयोग हुए, फेल होते गए। अब जाके मैं समझता हूँ कि मुझे तसल्ली हो रही है कि अब जो सिंगल शॉप की जो बात की गई है, वन स्टॉप शॉप की, उसके माध्यम से अब हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। अभी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की मीटिंग भी अब और होने वाली है थोड़े दिन बाद में। तो इस प्रकार से माहौल अच्छा बन रहा है राजस्थान में। जहाँ तक इसकी बात है सोलर एनर्जी की, तो मैं आपको एक बात कहूँगा तो आप मेरी भावना समझ आएंगे। करीब 30 साल पहले जब मैं टेक्सटाइल मिनिस्टर था केंद्र सरकार में 91 में, उसके लगभग 2-4 साल आगे पीछे होगा मुझे याद नहीं, उस वक्त सोलर पावर कैसे
प्लांट लगे, जब सोलर पावर के बारे में पूरा प्रयोग सफल नहीं हुए थे दुनिया के अंदर, प्रयोग चल रहे थे कैलिफोर्निया में, पता नहीं कहाँ गए, भूल गया, तो जोधपुर मेरी जो कॉन्शियस थी वहां पर जगह है मथानिया, मैंने वहां 20 मेगावाट का पावर प्लांट लगाने का भारत सरकार से, देश का पहला प्रयोग होने की बात थी, पहला प्रयोग मथानिया हो मेरे क्षेत्र में, ये मैंने प्रयास करके सैंक्शन करवाया था। हालांकि वो खाली बाउंड्री खींची गई, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर साल हम कोशिश करते गए प्लान के बदले, पर दुनिया के अंदर प्रयोग चलते रहते थे। अब जब 10-15 साल से अभी ये जो 20 साल पहले तो विंड के पावर प्लांट लगाने शुरू किए हमने, 2 मेगावाट शुरू किए थे जैसलमेर में मेरे वक्त में, अब तो मेरे घर 5-6 हजार मेगावाट पहुंच गए होंगे। सोलर आया है 8-10 साल से, 15 साल से, 12 साल जो भी है, अब जाके पूरी तरह विश्वास हो गया कि ये सोलर से एनर्जी के सारे प्रयोग सफल हैं, दुनिया भर में प्लांट लग रहे हैं। अब हमारे देश के अंदर राजस्थान भी प्रथम पंक्ति में खड़ा है, अभी गुजरात भी हमारे पड़ोस के अंदर वो भी ट्राई कर रहे हैं। आप लोग सब नॉलेज रखते हैं कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना वाइबल होगा, हमारे प्रोजेक्ट वाइबिलिटी पहले देखी जाती है। तो उस सोच के साथ में आप सब पधार रहे हो, इसलिए मायने है कि मुझे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम लोग अगर तमाम काम स्मूथली चलेंगे, जमीन से लगा करके जो प्रोसेस पूरा है उसके अंदर, क्योंकि कई बार जमीन में अड़चना बताती थी पहले, लोग शिकायत होती थी अब टाइमली जमीन मिलती नहीं हमें, तो मैं समझता हूँ कि तमाम कोई तकलीफ नहीं आएगी। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा जितने भी आप साथी बैठे हैं कि जो आपने भावना व्यक्त की है उसके अनुरूप ही आपको सारा यहाँ पर माहौल ऐसे ही मिलेगा जो आज मिल रहा आपको आगे भी, और आप लोग इन्वेस्टमेंट जितना चाहें 5-10 हजार मेगावाट का, जो 2030 तक 500 गीगावाट का या जो भी टारगेट है भारत सरकार का, हम चाहेंगे हमारी बहुत बड़ी भागीदारी उसके अंदर हो, हम भी चाहेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इसमें आपके जो ये MOU है LOI उसके भी 3 लाख के आसपास करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, और कस्टमर पैकेज भी दे दिया गया है राजस्थान के अंदर, और देने की प्रक्रिया चल रही है। मेरे ख्याल से 1.5 लाख करोड़ तक दे दिए गए, बाकी प्रक्रिया अभी 80 हजार तक की प्रक्रिया चल रही है, तो कस्टमर पैकेज की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि हम लोग बहुत तेज गति से आगे बढ़ेंगे। जैसा अंदर राजस्थान में रेगिस्तान के इलाके हैं और जब भी कोई कमी नहीं है, अभी जो सुप्रीम कोर्ट के कारण से प्रॉब्लम पैदा हो रही है वो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। सुप्रीम कोर्ट को समझाना बड़ा मुश्किल होता है, आप जानते ही हो, तो उसको ये फॉर्चुनेट बात है कि फॉर्चुनेटली इस केस के अंदर, इस मामले के अंदर भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की एक राय है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जल्दी कन्विंस होगा, जल्दी कन्विंस होगा तो आप सबको आसानी हो जाएगी, हमें भी अच्छा लगेगा कि इतना बड़ा एरिया, लंबा चौड़ा एरिया है और आज वहां पर प्रोजेक्ट जो आ रहे थे वो रुक गए हैं, ये हमारे लिए थोड़ा चिंता का विषय भी है। तो उसमें मैं लगा हूँ और हमारी पूरी टीम लगी हुई है किस प्रकार से ये काम जल्दी हो। बाकी तो आप निश्चिंत रहो, जैसा मैंने कहा आपको कि हम तो चाहेंगे प्रायोरिटी पर सब तरह की योजनाएं, जो कुसुम योजना हो, रूपटॉप की हो, मतलब राजस्थान में हम खुद चाहेंगे कि प्रोजेक्ट बड़े बड़े लगे, और हालांकि बिजली आप पैदा करके बाहर ले जाओगे जहाँ आपने PPA साइन किया होगा, जो सिटी सस्ता है, पर फिर भी इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आएगा, रोजगार मिलेगा हमें, सब तरह से उसमें इन्वेस्टमेंट आएगा, और मैन्युफैक्चरिंग अगर आप निकल लगा लें यहाँ पर तो उसका और ज्यादा लाभ मिलेगा राजस्थानवासी। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप अपने इतने बड़े बड़े प्लान लगा रहे हो, आगे की प्लानिंग बता रहे, तो उसमें साथ में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी राजस्थान में लगे, ये भी हमारी आपसे अपेक्षा रहेगी।
कि इसमें किस प्रकार से आप सहयोग कर सकते हैं। और बाकी तो जो आपकी जो किसी अभी आपके साथी ने कहा था कि इविगेशन और ट्रांसमिशन, इसमें आप निश्चिंत रहो, भारत सरकार खुद भी आगे आएगी इसके लिए, क्योंकि उसके थ्रू पीपी हो रहे हैं और हम लोग खुद भी चाहेंगे कि इसमें ट्रांसमिशन सिस्टम जो है हमारा और कैसे मजबूत हो। 765 GSS में या 400 के हैं, ये तमाम प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं और उसी ढंग से आगे बढ़ रहे हैं, हमने पूरी प्लानिंग कर रखी इसकी, तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो चिंता तो आपकी नहीं, भारत सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की होनी चाहिए, वरना आप लगा भी लोगे तो काम क्या आएगी। ये बात का एहसास हम लोगों को है, उसी रूप में हम लोग लगे हुए हैं। और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाऊंगा कि आप निश्चिंत रहें, हमारी पूरी तैयारी है और उसी रूप में आपको खुद को महसूस होगा आने वाले वक्त के अंदर। यही बात कहता हूँ मैं आपको सबका, पूरी पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ राजस्थान में। धन्यवाद। जय हिंद। आपके उद्बोधन और मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय की आज्ञा से MOU और LOI साइनिंग सेरेमनी को आगे बढ़ाते हैं। एक एक करके मैं कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स और ऊर्जा विभाग से निवेदन करूंगा कि वो सीरियल ऑर्डर में MOU और LOI के जो हमारी फाइल्स हैं उसको एक दूसरे से एक्सचेंज करें। सबसे पहले YK चौबे जी NHPC से। आएंगे